लगता है कि आपकी बातें सुनकर ना वो डर गया। और वो तो क्या, मैं खुद डर गया। आप मुझे चिढ़ा रहे हैं ना? नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करता। चलिए खैर, इस बात को नहीं छोड़ और शांत हो जाए। देखिए, गुस्सा ना सेहत के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता। और रही बात उसकी, तो मुझे नहीं लगता वो यहाँ आने की दोबारा हिम्मत भी करेगी। उसे देख कर तो यही लग रहा था कि उसे अपने किए पर काफ़ी पछतावा है। बस यही तरीका था उसे समझाने का नितिक। और अगर ये बात मुझे पहले समझ में आ जाती ना, तो फिर बहुत पहले भी यही कर चुकी होती। लेकिन शायद अच्छी से गलती हो गई। एक चीज तो मैं भूली गई। क्या आप भी ना? क्या आप भी? अक्षर, ऐसे मौके रोज रोज थोड़ी ना आते। 5 मिनट ऑफिस लेट पहुंचूंगा ना तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये मौका रह गया तो दिन भर अफसोस होता रहेगा। अच्छा, और अगर महाराज जी गिर जाने दे दिया ना तो दिन भर क्या जिंदगी भर हम वहाँ पे हंसते रहे। अक्षर, आप इतनी चिंता क्यों करती? सुबह सुबह उन्हें बहुत काम होते हैं। महाराज जी बना गए और गिर जाए छत पर, इसलिए सब कोई नहीं आया। मैंने फिर छोड़े क्या? जब तक टैक्स नहीं मिलेगा मैं नहीं छोड़ा। आपकी मम्मी मुझसे नाराज हो गई। भैया, इन्हें मनाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या करें बताओ, कुछ करें? हाँ, जरूर मेरा मजाक उड़ाएगा कि पहले तो बहाना बनाया और फिर उसके बाद सच में अपनी गाड़ी घर पर भूल गया। कोई बात, उन्हें भी एक मौका मिल जाएगा मेरा मजाक उड़ाने का और मुझे एक मौका मिल जाएगा उन्हें हाथ करने का। आई एम सॉरी अक्षरा, कल मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ पहुंची। उसके लिए हम रिलीज हो। मैं भी क्या करूँ।